ससुर ने बहू की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर की हत्या। आरोपी फरार। यूपी के कौशाम्बी में महेवा घाट थाना क्षेत्र में भैंस बांधने के लिए खूंटा गाड़ने के विवाद में दिन दहाड़े ससुर ने अपनी बहू की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हत्या से गांव में हड़कंप मच गया। हत्या की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची महेवा घाट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस न परिजनों से हत्या के बारे में पूछताछ की। दरअसल अलवारा गाँव की ननकी देवी दोपहर को भैंस बांधने के लिए अपने घर के बगल में खूंटा गाड़ रही थी। इसी बीच उसका देवर मौके पर आया। उसने खूंटा गाड़ने का विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। आरोप है कि महिला के ससुर पीताम्बर ने पहले घर के भीतर कुल्हाड़ी में धार लगाई। इसके बाद घर से बाहर आकर कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पर लगातार 3 प्रहार किए। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बीवी की हत्या की खबर उसके पति कैलाश को हुई तो वह भी प्रयागराज से वापस अपने घर आ गया। महिला की मौत से उसके 5 मासूम बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि महेवा घाट इलाके के अलवारा गांव में ससुर ने अपनी बहू की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना महेवा घाट क्षेत्र में आज एक ससुर ने अपनी बहू को कुल्हाड़ी से मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।